और जब मीडिया के तरफ से पूरा पुलिस को घेर लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में, तो पुलिस वाला रिपोर्टर को या फिर कैमरामैन या फिर न्यूज जो मीडिया है उन लोगों को धमकी ही दे रहा था कि फोटो मत ले मेरा। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले। दोस्तों, आप हम सब कोई कई बार सुशांत सिंह राजपूत की केस को देख के ये अंदाजा लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में पुलिस वालों का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये तो हम लोगों की बस एक अनुमान था। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की वो अनुमान को यकीन में बदल दूंगा, यानी इस वीडियो के जरिए मैं पुलिस वालों का कुछ ऐसी चीज आप लोगों के सामने रखूंगा जिस चीज को अगर आप बहुत ही गौर से एनालाइज करेंगे तो आपकी यकीन एकदम पूरा पक्का हो जाएगा, और उसी चीज के ऊपर आज हम इस वीडियो के जरिए फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कोई समय नष्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली एंटर करेंगे हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे एंटर करने से पहले आपको देखना होगा एक न्यूज कटिंग, यानी ये न्यूज कटिंग भी देखना होगा, और साथ ही साथ इस न्यूज के रिलेटेड वो वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि प्रूफ करना है, लिंक करना है, आपको समझना है। तो जिसके कारण वीडियो अगर ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले न्यूज क्या कह रहा है ये एक बार हम देख लेते हैं। ये जो न्यूज है, ये न्यूज है 22 अगस्त 2020 की। तो ये न्यूज कार्ड देख के आपको समझ में आ गया है कि पानी पीने आया, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये जो न्यूज है वो किस लिए बना, यानी पानी पीने आया इसके मतलब क्या है? तो बात यही है कि रिपब्लिक वर्ल्ड की जो रिपोर्टर सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट के नीचे उस दिन मौजूद था, उन्होंने एक पुलिस वाला जब सुशांत सिंह राजपूत के घर में आया था तो उस टाइम पे एक नहीं, एक्चुअली बल्क में कुछ पुलिस वाले आए थे, और आने के बाद वो लोग भी क्वेश्चन किया कि सर आप लोग किस लिए आए थे। तो पुलिस वालों की तरफ से कहा गया था कि हम पानी पीने आए थे। और चलिए, ये जो बात है वो तो मैं कह रहा हूं, क्यों ना इसका एक पूरा वीडियोग्राफी ही मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आप पहले कंफर्म हो जाओ। आप बोलने से कुछ मना कर दिया, साफ बोलने से मना कर दिया, साफ बोलने से उन्होंने कुछ भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर पानी पीने आया हूँ और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर उनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर अभी और अधिकारी आने वाले हैं, क्या आगे क्या होने वाला है, तो कह रहे हमें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो असल में करने यहाँ पर क्या आए थे, पानी पीने आया था इतना बोलकर वो चले गए, जो बात गले से नहीं उतरती है। पानी पीने वो आए थे, पानी पीने के लिए उनको शायद ये सुशांत वाला घर ही मिला था। बहरहाल, मुंबई पुलिस लगातार देखिए सवालों के घेरे में है, और मुंबई पुलिस को उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो बीते दिनों मुंबई पुलिस की जांच में खड़े हुए हैं। उन तमाम लूपहोल्स का जवाब मुंबई पुलिस के अधिकारियों को देना होगा जो सवाल जांच में खड़े हुए हैं। तो समझ में आ गया आपको कि मुंबई पुलिस जब सुशांत सिंह राजपूत के घर में आया तो रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि किस लिए आए थे, तो कहा पानी पीने के लिए आया था। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो क्लिप देख के आपको समझ में आया कि पुलिस वाला कितना बदतमीजी के साथ ये आंसर दे सकते हैं कि पानी पीने आया था। और ये पुलिस वाला आया क्यों, ये है सबसे बड़ी सवाल, ये है आज की वीडियो की मुद्दा कि पुलिस वाला सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस दिन क्यों आया। तो रिपब्लिक वर्ल्ड की जो न्यूज किया गया था उस न्यूज में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई की एक टीम, इस सीबीआई की जो टीम को आप देख पा रहे हैं फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, ये टीम आ सकते हैं उस दिन, यानी इस टीम की आने से पहले ही पुलिस वालों ने क्या किया कि चलो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे चलो, जाने के बाद वहां पे जितना भी लोग हैं उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को बताओ कि सीबीआई आने के बाद क्या करना है, क्या बोलना है। क्या इसी वजह से पुलिस वाला आया था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे रिपोर्टर की तरफ से कहा गया कि पानी पीने आया था, तो इतना जगह छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही पानी पीने के लिए क्यों? क्या यहाँ पे मीठा पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? यह वीडियो क्लिप देख के क्या आपको नहीं लग रहा है कि क्यों सीबीआई आने से कुछ मिनट पहले ही पुलिस वालों की यह टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर में घुस गया, और घुसने के बाद
वो लोग क्या कर सकते हैं। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पुलिस वाले इस घर में क्या करने के लिए आ सकते हैं। और जब रिपोर्टर के तरफ से, कैमरामैन की तरफ से जब मीडिया कवरेज हो गया है, तब कुछ भी फेंक के चला जाएंगे आप लोग मामू, ये तो कभी हो नहीं सकता ना। और जब मीडिया के तरफ से पूरा पुलिस को घेर लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में सीबीआई आने की चंद मिनट पहले पुलिस वाला क्यों पहुंच गया, तो पुलिस वाला रिपोर्टर को या फिर कैमरामैन या फिर न्यूज जो मीडिया है उन लोगों को लगभग से लगभग धमकी ही दे रहा था कि फोटो मत ले मेरा, आप लोग एक बार देख लीजिए कि फोटो मत ले। तो मतलब ऐसा क्या किया होगा, अंदर में ऐसा क्या चला होगा कि आपकी आपकी मुंह तक बाहर नहीं दिखा पा रहे हैं। धमकाने के लिए गए थे वो लोगों को, वो लोगों को समझाने के लिए गए थे कि सीबीआई के सामने क्या कहना है, क्या पाठ करना है। दोस्तों बेसिकली इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि अगर एक पुलिस वाला इतनी आराम से सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट में घुस के पता नहीं क्या क्या करके बाहर आके अगर इतनी ठंडी दिमाग से कह देता है कि पानी पीने आया था, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि दिन की उजाले में अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर ये सब चलता है तो माउंट ब्लैंक पे रात की अंधेरे में उस रात क्या क्या हुआ होगा। अगर रिपोर्टर्स की क्वेश्चन को परवाह ना करते हुए एक नॉर्मल से नॉर्मल आंसर देके अगर निकल रहा है पुलिस वाला, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये पुलिस वाला किसी को भी कुछ भी नहीं समझता। सुशांत सिंह राजपूत की केस को आप एनालाइज कर सकते हैं यही एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से कि क्या हुआ होगा उस रात अगर दिन के उजाले में पुलिस वालों की ऐसी दादागिरी चलता है। तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 14 जून की रात को क्या दहशत फैलाया होगा इन लोगों ने। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये क्लिप देखने के बाद कम से कम आपको और कुछ एनालाइज करना होगा, आपको और कुछ अंदाजा लगाना होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीडियो क्लिप देखने के बाद आपकी जो अंदाजा है वो यकीन में तब्दील हो जाएगा कि पुलिस वाला सुशांत सिंह राजपूत की केस को कैसे अपने हाथों से नचा रहा है। मतलब सुशांत की केस में कुछ हुआ होगा और जिसके कारण पुलिस वाला ऐसे ही सुबह सुबह दौड़ के माउंट ब्लैंक में पानी पीने के लिए आ गया, क्योंकि गला सूखना ही चाहिए, क्योंकि शायद इन लोगों ने ही कुछ किया होगा। नहीं तो ऐसे ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही पुलिस वाला सीबीआई आने से पहले सुशांत के घर में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सीबीआई आने से पहले पुलिस की गला सूख जाते हैं, अगर पुलिस पानी पीने के लिए माउंट ब्लैंक पे आ जाते हैं, तो सवाल तो एक रह ही जाता यार कि ऐसा काम क्या किया है पुलिस वाला सुशांत सिंह राजपूत के साथ कि सीबीआई देखते ही इन लोगों की गला सूखने लगा। और क्या ये क्लिप के बाद भी, पुलिस वालों की ऐसी हरकत के बाद भी अमित शाह कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को मीडिया ज्यादा तूल के रखा है? खैर अब मीडिया ने भी इसको ज्यादा तूल भी दिया अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसा केस को मीडिया हमारे सामने लेके आ रहे हैं, और इस चीज को अगर अमित शाह जी को लगता है कि मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की केस को ज्यादा तूल के रखा है, तो ये तुलना हम सर पे लेके नाचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो बस दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि अगर पुलिस वाला दिन में ऐसी हरकतें कर सकता है तो 14 जून की रात में ये लोग कैसी दहशत फैला सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक बहुत बड़ी सच्चाई के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।